जो भी चाहिए Z5 ऐप पर बस Z5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। फैसला लिया है मैंने कि जब तक शान अपने मौजूदार होने का फर्ज निभाता रहेगा तब तक मैं उसकी कभी नहीं हो सकती। चंदा मां के लिए उन बदनाम गलियों में वापस लौटना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अपनी कस्मों को तोड़कर अस्मिता लौट चुकी है फिर से उन बदनाम गलियों में। कैसे करेगी वो सामना समाज का? क्या होगा जब वो टकराएगी शान से? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां। अब आप अस्मिता को इस घर में वापस लाइए। हमारे हृदय की छोटी बहू के नाते इस घर में वापस लाइए। अस्मिता इस घर में छोटी बहू के हैसियत से नहीं आएगी। वो मेरी बचपन की दोस्त है और मेरा प्यार भी, और मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। चलो अस्मिता, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम्हें लेने आया और सारी खुशियां जो तुम्हारी। अपने साथ हुई बेइज्जती को भूल कर क्या अस्मिता शान के साथ चली जाएगी या फिर उस दर्द को अपने दिल में घर कर लेगी? आखिर क्या लिखा है इस प्रेम कहानी की तकदीर में? जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां। मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शान मौसमदार। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ शान। आखिर किस मकसद से अस्मिता है तैयार शांतनु से शादी कर उसकी बनने में? देखते रहिए ये तेरी गलियां का अगला रोमांच भरा सप्ताह। मुझे लगता है कि हमें अतीत को बुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। नई जिंदगी के साथ सब कुछ फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। अस्मिता जी, देखिए आपने मुझसे जो कुछ भी कहा ना, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो क्या ना कि आप, दादा, बहुत सारी यादें, मेरी जगह कोई और लड़का होता ना तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता अस्मिता जी। लेकिन मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ अस्मिता जी। हमेशा से आपकी आंखों में ना मुझे एक सच्चाई दिखाई देती है जो आज भी बरकरार है। इसलिए मैं आपकी कई हर बात को ना पॉजिटिवली लेना चाहता हूँ। आपने दादा के लिए जो कुछ भी किया वो एक दोस्त की हैसियत से किया। आप अपनी दोस्ती निभा रहे थे अस्मिता जी, और अगर कोई दोस्ती निभाने के लिए इस हद तक जा सकता है तो जरा सोचिए कि वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में शादीशुदा जिंदगी में क्या कुछ नहीं करेगा अस्मिता जी। और दूसरी बात यह है अस्मिता जी कि आपका दादा के साथ जो भी रिश्ता है, दोस्ती का, प्यार का, आप उसे बुलाकर मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो तो मेरे लिए उतना ही काफी है अस्मिता जी। मैं हंसते हंसते कह सकता हूँ कि आपका हर हुक्म सर आंखों पर। अस्मिता जी, सच तो यही है कि मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। मैं आपके बिना नहीं जी सकता, वो जीना पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए, और वो इन कुछ दिनों में मैं जान चुका हूँ अस्मिता जी। इन शॉर्ट, आप हो तो मैं हूँ। आपके साथ ना मैं अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तो उसके लिए जो मुझे आप बोलेंगी ना अस्मिता जी, वो मुझे मंजूर है। इस वक्त सब सब कुछ तुम्हें सही लगेगा रिता, एक बार फिर से सोच लो। चाहिए तो थोड़ा वक्त ले लो रिता। और कितना वक्त अस्मिता जी, बहुत वक्त ऑलरेडी निकल चुका है। हमारे देश में कितने अरेंज मैरिजेस होते हैं, दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जानते तक नहीं, एक दूसरे के अतीत के बारे में पता भी नहीं होता अस्मिता जी, लेकिन फिर भी उनकी मैरिजेस सक्सेसफुल होती है। हम तो एक दूसरे को जानते हैं, और अस्मिता जी, अतीत तो सबका होता है, उसे हम बदल नहीं सकते।
लेकिन हमारा आज हमारे हाथों में होता है और आज का सच यही है अस्मिता जी कि आप अपनी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हो तो इससे ज्यादा क्या और क्यों सोचना है। आप भी सोचना बंद कर दीजिए अस्मिता जी। मैं पागल हूँ, दीवाना हूँ, आशिक हूँ, जिद्दी हूँ, उल्लू हूँ, जो भी हूँ अस्मिता जी, जो भी, सच कहता हूँ आपके प्यार में हूँ, आपके लिए हूँ और इस प्यार को मैं ऐसे ही जाने नहीं दूंगा अस्मिता जी। तो साथ चलते हैं ना अस्मिता जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं सब ठीक कर दूंगा, इतना प्यार दूंगा आपको कि आप अपने अतीत को भूल जाओगे, अतीत से जुड़े सारे दुख को भूल जाओगे, सारे दुख ना बस यूं हवा में गायब हो जाएंगे। अस्मिता जी मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं अस्मिता जी कि दोनों के हिस्से का प्यार अकेले करूंगा और तब तक करूंगा जब तक कि आपको मुझसे प्यार ना हो जाए। अगली बार ऐसा बोलने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप ये मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू के बारे में बोल रहे हैं। क्या शान इन मुश्किलों के भंवर से निकलकर रोक पाएगा अस्मिता और हृदय की शादी, या वक्त का तराजू फिर लेगा एक अनोखा मोड़? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। वेदिका जी, हमारी आर्या को कुछ नहीं होने देंगे। मैं तुम दोनों की जिंदगी से कभी नहीं जाने वाला। आज रात के बाद तुम्हारी बेटी के लिए सबसे बड़ा सच होने वाला, खासकर सुहागरा। आर्या का क्षितिज के साथ शादी करना है, ये आर्या का प्रतिशोध या क्षितिज की कोई नई घिनौनी चाल? क्या वेदिका और साहिल मिलकर ला पाएंगे क्षितिज का असली चेहरा आर्या के सामने? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल, देखिए। मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा गुड्डन। मैं अब पागल खाने में क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ से जल्द निकलना होगा। लगता है लक्ष्मी जी सच में हम ये शादी करने वाले हैं। मतलब जिंदल साहब की पत्नी है, कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल कर रहे। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें बर्बाद कर दिया कबीर। हमारे बरसों से अपने बेटे को शहर काजी बनते हुए देखने का ख्वाब उसे तुमने चकनाचूर कर दिया, और इसके लिए हम कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। होने के मैंने उसे अरेस्ट, मैंने उस लड़की की मदद नहीं की जो मुझे प्रज्ञा की याद दिलाती है, उस बेटी की याद दिलाती है जिसे मैंने कभी नहीं देखा। प्राची ने कुछ नहीं किया, वो जेल में नहीं रहेगी। तुम भूल गई कि तुम्हारी इस घर में पोजीशन क्या है, थोड़ा रिस्पेक्ट क्या दे दिया अपने आप को तुम बहुत कुछ समझने लगी हो। और ऐसे हाथ उठाने का हक सिर्फ एक माँ को होता है। जिस दिन उस घायल शैनी को ये पता चल गया ना, ऋत्विक को ऋषभ ने नहीं, तुमने मारा है, तुमने। राज राजेश्वरी जी के अंतिम संस्कार के बाद घोर अनर्थ होगा, वो चुड़ैल और शक्तिशाली हो जाएगी, जिसे चाहे उसे मार पाएगी। नहीं! मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी सचू, ये अब सिर्फ जेल जाएगा। चलो रुको पूर्वा, संजू को छोड़ो, क्योंकि पूरा सच क्या है ये तुम भी नहीं जानती। संपू, ये वही आदमी है जिसने माई को फोन किया था, और ये वही आदमी है जो माई का पति बनेगा, हमारे दूल्हे राजा जो सामूहिक विवाह में बैठेंगे।